हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज। वेलकम, उम्र में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम सॉफ्टवेयर अपडेट करना सीखेंगे। सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे करते हैं, बड़ी आसानी से, क्योंकि मैं आपको पहले अपना सॉफ्टवेयर लॉगिन करके दिखा देता हूं कौन सा वर्जन मेरा चल रहा है। देखिए, हमने ऐप पे क्लिक कर दिया है तो कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं देता है। ऐसा लगता है कि हमने क्लिक ना किया हो या बटन ना दबाओ, बहुत देर सकता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करके तब मैं ओपन पे जाके करता हूँ तो उससे पता रहता है कंफर्म कि हाँ मैंने ओपन कर दिया। देखिए, दो बार मैंने शायद क्लिक कर दिया, दोनों बार दिखा रहा है। तो मेरा वर्जन अभी 176 है, तो अभी मैं इसे वर्जन 180 में बदलूंगा। तो आप देखते रहिए कैसे बदलना है, और बड़ी आसानी से सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। और सेम प्रोसेस से ही आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं, बस आपके पास सॉफ्टवेयर की फाइल होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ लॉगिन करके दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए, मेरा लॉगिन हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं से एग्जिट करता हूँ यहाँ से। और सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सर्विस में जाके जो आधार की फाइलें होती है, सर्विस जो होती है, चारों को, तीन चार जो भी हैं आपके सिस्टम में, इन्हें स्टॉप करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप मैंने कर दी है। स्टॉप करने के बाद क्या करूँगा मैं, जो आपका ये एप्लीकेशन है इस पर राइट क्लिक करेंगे या सीधे आप वहाँ से भी जा सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो ओपन फाइल लोकेशन, तो वहीं पर पहुंच जाएंगे जहाँ हमें जाना होता है। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको सीड फोल्डर दिख रहा होगा, सीड फोल्डर पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मेरा 176 वर्जन दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने 180 फाइल डाउनलोड की है, उसे जाके यहाँ से कॉपी कर लूँगा और उस फाइल में जाके पेस्ट कर दूंगा। तो फाइल यहाँ पर पेस्ट कर दी है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट फाइल हेयर पर क्लिक कर देना है। इसमें दो फाइलें होंगी, क्योंकि एक्सट्रैक्ट फाइल पे जाके आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो OTA फाइल जो वाइट वाली है, इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि ये शायद रह गई है डाउनलोड होने से। तो अभी ये हो रहा है एक्सट्रैक्ट फाइल, तो मैं उस फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ। जीमेल पर मैंने लिंक भेजा था, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, वहाँ पर जाकर पेस्ट कर देते हैं सीड फोल्डर। देखिए, दोनों फाइल हमारे पास हो चुकी हैं, 180 की ये वाली भी और ये वाली। और इसके बाद जो हमें फोल्डर बनाना है, इसे हम यहाँ से कंट्रोल ए और कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद बैक आएंगे, बैक आने के बाद जो आपके पास फोल्डर बता, मैं आपको यहाँ से क्लियर दिखा देता हूँ। सी ड्राइव में जाता हूँ, फोल्डर आधार एनरोलमेंट क्लाइंट पे जाके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, कहीं भी जाकर के पेस्ट कर देना है। कंट्रोल भी मैंने कर दिया है, फाइल कॉपी होने लगी है मेरी। और रिप्लेस के लिए कहेगा, रिप्लेस आपको यहाँ पर कर देना है। जैसे आप इसे रिप्लेस करेंगे तो आपके सामने सारी फाइल आ चुकी हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको सारी सर्विस जाके स्टार्ट कर देनी है, सारी सर्विस स्टार्ट कर देनी है। और उसके बाद देखते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। आप इस प्रोसेस से बड़ी ही आसानी से सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। फाइलें कभी कभी होता है कि जो सर्वर एरर या इंटरनेट का जो एरर रहता है, वो अभी हमारे सामने शो करता है, तो उसके लिए भी मैं अभी बताऊंगा अगर मेरे में शो करता है तो। अब मैं ये क्या करना है, मैं अपने एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद देखिए कौन सा वर्जन यहाँ पर दिखाई देगा, 180 वर्जन मेरा आ चुका है और ये लॉन्च हो रहा है धीरे धीरे। मैं आपको बता दूं कि जब हम सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं तो कुछ एरर हमारे सामने दिखाई देता है। अगर मेरे में दिखता है तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए, फाइल कट गई है, हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें जाके ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि फाइल लॉन्च पूरी तरह से हुई नहीं है। तो सॉफ्टवेयर कभी कभी जब अपडेट होता है तो ये वाली दिक्कत हमारे सामने आ जाती है। जैसे अभी ये एग्जिट हो गया था सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का लगभग सभी सॉल्यूशन मैं खुद खुद से कर लेता हूँ। अगर फाइल ऑटो हाइड हो जाती है, वो भी एग्जिट हो जाता है बार बार, वो भी, तो मैं यहाँ पर अपनी वो डाल देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, वर्जन आप देख सकते हैं 180 वर्जन मेरा हो चुका है। देखिए, जिस एरर की मैं बात कर रहा था, ये एरर आता है, ये एरर पता है कब आता है, जब हमारी प्रोक्सी फाइल ओल्ड होती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर वर्जन के अनुसार हमें प्रोक्सी फाइल चेंज करनी पड़ती है। तो अभी हम प्रोक्सी फाइल फिर से हम क्या करेंगे, सर्विस में जाके चारों सॉफ्टवेयर की से एग्जिट कर देते हैं, चारों हमारे थे तीनों सॉफ्टवेयर इन्हें स्टॉप करते हैं हम, और यहाँ से जाके हमें प्रॉक्सी फाइल चेंज करनी होती है। जो एरर मैं बता रहा था वो आपके सामने आ चुका है। प्रॉक्सी फाइल अभी हम देखते हैं कहाँ पर पड़ी है। तो मेरे पास फिलहाल को 176 की प्रॉक्सी फाइल है, मैं वही डालूंगा। तब तक के लिए मैं वीडियो रोक देता हूँ।
देखिए प्रोक्सी फाइल हमें मिल चुकी है। इस प्रोक्सी फाइल को हम क्या करेंगे, फिर से हम जाएंगे कंप्यूटर में। कंप्यूटर में जाने के बाद अपनी सी ड्राइव खोलेंगे। यहाँ से जाते हैं हम सीधे सी ड्राइव में जाते हैं। सी ड्राइव में जाने के बाद UIDAI वाला फोल्डर, आधार इनरोलमेंट क्लाइंट, उसके बाद जाते हैं हम कन्फर्म में जाके। देखिए प्रोक्सी फाइल रहती है ये मई की है, 18 मई की। हम इसे जो है यहाँ से चेंज कर देते हैं। प्रोक्सी फाइल हमने रिप्लेस कर दी है, 1 जून की हमारी प्रोक्सी फाइल हो गई है। हम इसे काट देते हैं। फिर से हम सर्विस में जाते हैं। सर्विस में जाने के बाद जो हमारी फाइल हमने स्टॉप की थी उन्हें स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। हमारी सारे सॉफ्टवेयर जो स्टॉप की थे रन हो चुके हैं। और हम यहाँ से जाके फिर से एप्लीकेशन को रन करते हैं। सॉफ्टवेयर हमारा लॉन्च हो रहा है और देखते ही देखते हमारा जो सॉफ्टवेयर वर्क करने लगेगा 180 में। देखिए फिर से सॉफ्टवेयर एग्जिट हो गया। तो आपको इसमें घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना है, फिर से जाके ओपन करना है। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर अगर नया जब हम डालते हैं या सॉफ्टवेयर अपडेट हमारा होता है तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने रहती है। क्योंकि फाइलें पूरी तरह से जो अपना स्थान या मतलब मर्ज नहीं हो पाती है या फिर वर्क नहीं कर पाती है, तो उसमें उसकी वजह से ये कभी कभी एग्जिट होने लगता है। तो हम यहाँ से अपने देखिए जो हमारी सर्टिफिकेट नंबर है वो डालते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद देखिए जो एरर आया था ना वो एरर अब नहीं आया है। प्रॉक्सी फाइल की वजह से वो एरर आता है। तो आप बड़ी ही आसानी से आधार सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपका इस नंबर प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।